ये देखो कैसा रूप बना हुआ है, तो भगवान की जो रूप है नेक रूप है। भगवान बोले शंकर जी है ना, ये बोले शंकर जी हैं। इनकी माया बहुत मुश्किल से मिलती है बालक, जो सच्चे मन तन से कोई ऐसा कोई कार्य करता है इनका, फिर खुश हो जाते हैं भोलेनाथ। खरूर के शहर के अंदर ये गौशाला जो आई है, तो मैं चाहता हूँ सभी भक्तों को, एक गौशाला के अंदर बहुत कमी आ रही है मुझे, जहाँ पर चारा कोई नहीं है भाई। अभी गाय हमारी भूखी है, गाय हमारी भूखी है, गाय का चारा चारा दे। बॉडी अभी मेरी बनी नहीं है, मंगवाई है मैंने, जल्दी पहुँच जाएगी, फिर आपको दिखाएंगे बॉडी। नहाकर कपड़े पहने थे ना, वो घर पे ही रह गए। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब, होप कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह की बजे 6 और मैं जा रहा हूँ अपने गांव में महादेव के मंदिर, वो मंदिर जहाँ मैं लाइफ में सबसे पहली बार गया था जब मैं सिर्फ 4 मंथ्स का था। तो बात करेंगे अभी वहीं पहुँच के। राइट में ये जो रास्ता है वो जाएगा न्यू ब्रिज की तरफ, मतलब जम्मू की साइड, और ये लेफ्ट साइड यहाँ से जाता है श्रीनगर की तरफ, और ये जो स्ट्रेट जा रहा है ये जा रहा है मेरे गाँव की तरफ। ये रास्ता भी कुछ महीने पहले ही बना है, और मे बी थोड़े टाइम में इस पर मतलब कि वो कंक्रीट डाल के लुक वगैरह डल जाएगी, तो फिर काफ़ी इजी हो जाएगा यहाँ से जाना। 7-8 महीने पहले भी मैं एक बार आया था, तब तो इससे भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी यहाँ की। वो यहाँ से आपको न्यू ब्रिज भी दिखेगा सामने। पहुँच चुके हैं हम महादेव के मंदिर, और सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा। सबसे पहले नहाएंगे, नहाने के बाद फिर मंदिर में माथा टेकेंगे, उसके बाद में फिर खाने पीने का देखेंगे जो भी प्लान होगा। वैसे हमने लाई तो है साथ में मैगी वगैरह, और थोड़े बहुत यूटेंसिल्स भी लाए हैं बनाने के लिए मैगी, तो देखते हैं फिर क्या रहता है आगे प्लान। सबसे पहले नहाने ही चलते हैं। बाइक लगा देंगे हम यहीं पे, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा पत्थर वगैरह हैं, व्यू देख सकते हैं आप। तो मैं अभी नहा लेता हूँ, क्योंकि फ्रेंड जो मेरे साथ आया था उसको लग रही है ठंड, तो वो बोल रहा है मैं तो नहीं नहाऊँगा, बट मैंने सोचा था कि मैं नहा कर माथा देखूँगा। और बॉडी अभी मेरी बनी नहीं है, मंगवाई है मैंने, जल्दी पहुँच जाएगी, फिर आपको दिखाएंगे बॉडी। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है ये कि जो नहाकर कपड़े पहने थे ना वो घर पे ही रह गए, तो फिर अभी फिर से ये वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है। वैसे वो सडनली में आते ही सीधे पानी में घुस गया ना, उस वजह से थोड़ी ठंड लगी है, बाकी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। अब चलते हैं मंदिर, और वहाँ से कुछ वो बकेट वगैरह लेकर आएंगे वो महादेव को जल चढ़ाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से लेकर जाएँ। चलो फिर, जय भोलेनाथ की। बाबा जी जय भोलेनाथ। कैसे बाबा जी, ठीक हो? ठीक है भाई, ठीक है। बारी जल लेकर आते हैं पहले आ? पहले जल लेकर आते हैं नीचे से, लेके आओ जल लेके आओ, फिर भगवान भोले शंकर को शर्मान कराओ, फिर भगवान से भोले शंकर से मांगो, हे भोलेनाथ हमें शक्ति दो। बिल्कुल बाबा, हमें शक्ति दो, हमें ऐसा रोशनी दो, तो हम आपकी सेवा करेंगे और देश की सेवा भी करेंगे। जैसे भगवान से मांगना पड़ेगा आपको, ये भगवान अवश्य देगा आपको। इतनी पॉजिटिव वाइब्स है ना यहाँ पे, पानी की साउंड, ऊपर पंछी जा रहे हैं, मजा आ जाता है यार यहाँ पे आके। ओम नमः शिवाय। जय बोले बावरी। पीछे जो गुफा है, ये गुफा कहाँ पे जाती है? ये गुफा देखो, ये गुफा जो तो बड़ी बड़ी पुरानी है, ये सब जो की गुफा है, आज की गुफा नई गुफा नहीं है, या किसी ने निकाली है। तो ये जो भगवान भोले शंकर जी जहाँ पर भाई उनका भाव था, उन्हें अपना आसन बनाया, अपना जीवन जहाँ पर कोई बुद्धि किया होगा, तो आज उनके नाम चल रही है। जिस गुफा का नाम है शिव द्वाला गंगोत्र महादेव। तो बाबा जी बोलते हैं ये गुफा जो है ये श्रीनगर जाता है ये रास्ता। भाई गुफा ये सच बात है, तो कुछ पहले की बात है, हम छोटे थे जब सन 71 की बात है, तो मैं छोटा सा आया था, मेरे बुजुर्ग जो दादाजी यहाँ पर जो सेवा करते थे, तो मुझे एक गुफा के अंदर ले चले, अंदर ले गए, तो उन्होंने यहाँ पर अंदर लेकर मुझे
जय भोले बाबा। यहाँ पर थोड़ा सा जय भोले बाबा हमें गुफा दिखाएंगे पास, कोई साधन नहीं है या कोई ऐसी बत्ती की कमी है, कुछ ऐसे आने जाने की बड़ी कमी है। ये गुफा है, ये गुफा है। इधर से छोटा सा रास्ता था, ये इधर से छोटा सा रास्ता था अंदर जाने के लिए। तो जब मुझे हमारे दादाजी जो अंदर ले गए, मुझे अंदर ले गए, जब उसके अंदर और अंदर ले गए मुझे, उधर मैंने क्या देखा, वो बड़ी ऊंची गुफा थी। हाँ जी, काफी ऊंची गुफा थी। तो मैंने अपने दादी जी को पूछा, बाबा जी को पूछा, बाबा जी ये आगे क्या है? उन्हें बोला भाई आगे बहुत गुफा है, आगे बहुत गुफा है, जहाँ पर कोई ऐसा कोई कारण हुआ था तो इसलिए हमें थोड़ा सा आगे से बंद। तुम्हारी अभी हम देख रहे हैं कि ये गुफा जो है ये भी बंद हो चुकी है ना? हाँ जी, हाँ ये बंद हो चुकी है। अभी जो गुफा है ये बंद हो चुकी है? नहीं नहीं, इधर से बंद हुई है। अच्छा, वहाँ इधर से बंद हुई है। ये रास्ता जो आगे हम देखो भगवान बोले शायद क्या हुक्म देता हमें, तो आगे हम देखेंगे भगवान को, जाएंगे आगे दरबार में जाएंगे। तो बाबा जी बोल रहे हैं हम एक बार कोशिश जरूर करेंगे रास्ता निकाल कर फिर से अंदर जाने की। हाँ, हमें तो, गया है ना, हमने देखा है। हाँ जी, हाँ जी। जब देखा नहीं हो तो फिर परमावती भाई कहाँ कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हमने देखा है, अब हम अंदर गए हैं तो फिर हम जाएंगे अंदर। बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे अंदर बाबा जी। और भी यहाँ पे गुफा पे कुछ निशान वगैरह थे। हाँ, मैं बचपन में जब छोटा था आया करता था अपनी दादी के साथ, क्योंकि मेरा भी यही गाँव है। तो वो बाबा जी आप एक बार बता दो वो फिर से हमें। देखो ये, देखो ये प्रश्न होते हैं दर्शन भगवान के, ऐसे दर्शन होते हैं ना, भगवान के अनेक रूप होते हैं। भगवान के रूप का पता नहीं लग सकता है, भगवान कैसे मिलता है। भगवान के ऐसे अनेक रूप होते हैं, अपने निशान दिशा छोड़ देते हैं, फिर उनके दर्शन करते हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। देखो कैसा रूप बना हुआ है। देख भगवान के जो रूप है अनेक रूप है। भगवान बोले शंकर जी है ना, ये बोले शंकर जी है। इनकी माया बहुत मुश्किल से मिलती है बालक, जो सच्चे मन तन से कोई ऐसा कोई कार्य करता है इनका, फिर खुश हो जाते हैं भोलेनाथ, खुश हो के उसको रोशनी देते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, उसको अपना दर्शन बताते हैं और अपना उसको फल भी देते हैं। और एक और यहाँ गुफा है छोटी वाली, ये जो ये गुफा जो छोटी सी गुफा है ना। हाँ जी, कोई भी ऐसा कोई भक्त आए, ऐसे भक्त आते हैं कभी कभी, तप करने वाले होते हैं, जो तप करते हैं भगवान के चरणों में। हाँ जी, ये एकांत जगह है जहाँ पर बहुत शांति है। बिल्कुल, जहाँ कोई 8 दिन के लिए, कोई भले 11 दिन के लिए, 31 दिन के लिए, 59 दिन के लिए जब तप करे तो उसको भगवान फल देता है, उसको शक्ति देता है, उसको देश को चलाने के लिए, पढ़ाई के लिए, विद्या के लिए और कोई भी कार्य करने के लिए उसके मन के अंदर पूरी करते हैं भगवान बोले शंकर। बाबा उसको पहुंचाते हैं। एक कोई समय था हर साल में नया शेड बनाता था। बाबा जी ने जब स्टार्ट किया था आप देख सकते हैं, कोई शेड वगैरह यहाँ नहीं था। तो भोलेनाथ की भक्ति से और लोगों के सहयोग से देखें धीरे 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 से काफी काम हो रहे हैं। ये बाबा जी का नंबर है यहाँ पे, कोई भी दान करना चाहता है अपनी श्रद्धा अनुसार जितने भी, तो वो आ सकता है। मैं अभी सभी भक्तों से, अभी खास करिए मैं खुडूर के अंदर रहने वाले को मैं एक बड़ा संदेश देना चाहता हूँ। आपके बड़े किस्मत वाले हो जिस खुडूर के शहर के अंदर ये गौशाला जो आई है, तो मैं चाहता हूँ सभी भक्तों को, एक गौशाला के अंदर बहुत कमी आ रही है मुझे, जहाँ पर चारा कोई नहीं है भाई, अभी गाय हमारी भूखी है, गाय हमारी भूखी है, गाय तो का बाबा जी चारा नहीं है यहाँ पे सेवा करने के लिए, तो गाय काफी ज्यादा है, तो वो उनका चारा वगैरह पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अगर कोई भी दान करना चाहता है चारा कुछ भी गाय के लिए, गाय के खाने के लिए, तो जरूर यहाँ पे आए और दान करे। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, नए पुल से राइट साइड टर्न होना है आपको और वहां से 3 किलोमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा। और आप किसी को भी पूछोगे वहां पे ब्रिज के पास भी कि महादेव शिवद्वाला कहाँ पे है, तो वो जरूर आपको बता देंगे। और वो नीचे गौशाला जो बाबा जी ने बनाई है देख सकते हैं कितनी सारी गायें यहाँ पे। चलो बाबा जी नीचे, तो देख सकते हैं आप कितनी गायें यहाँ पे। तो ये है बाबा जी की गौशाला। तो कितनी गायें बाबा जी यहाँ पे? 40 से ऊपर है भाई, 40 से ऊपर है। ये देख सकते हैं आप। तो बाबा जी का कहना है कि इनको खाने के लिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप इनका चारा वगैरह का डोनेट करना चाहे कोई भी तो यहाँ पे जरूर आए। तो बाबा जी इनकी सेवा वगैरह आप अकेले ही यहाँ पे? भाई जहाँ पर अकेले करेंगे सेवा, बाबा क्या करेंगे,
आते हैं भक्त, आते हैं कुछ। अच्छा बीच बीच में भक्त भी आते हैं? अभी भक्त आने वाले हैं। अच्छा कुछ भक्त यहाँ आने वाले हैं, अभी सेवा करेंगे, इनका चारा डालेंगे, कुछ थोड़ा करेंगे। तो गांव के लोग भी, कुछ लोग जो हैं गांव के, वो भी बाबा जी की मदद करते हैं, कुछ सेवक वाले लोग आते हैं, यहाँ पर बाहर से भी आते हैं, देख सकते हैं आप। तो जब बाबा जी, जब आपने स्टार्ट किया था तब शेड भी नहीं था बिल्कुल? नहीं नहीं नहीं, पहले शेड कहा था बाबा। अभी दो तीन भक्त ऐसे भगवान के प्यारे मुझे मिले हैं। हाँ जी भाई, देखो मेरे पास जिन्होंने भगवान के साथ प्रेरणा है, वो भगवान के कार्य करते हैं। हाँ जी भगवान के कार्य करते हैं, फिर उनको फल मिलता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका अगला जीवन अच्छा बढ़ता है, बिल्कुल। तो ये दो तीन भक्त ऐसे मिले थे जिन्होंने मुझे ये आसन भगवान का जो अर्पण किया है। देखो ये नंदीगढ़ जी है, बोले शंकर। तो बाबा जी का बहुत प्रेम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये बोले शंकर है, देखो ये कितना सुंदर लग रहा, प्यारा लग रहा है। देखो यहाँ पर कल मुझे एक भक्त ने मुझे भेजा है, मैं वो पूछ रहा था बाबा क्या क्या बात है। मैं बोला भाई गाय के लिए कुछ नहीं है बाबा, पता कोई सेवा करता है या ऐसा घास खिलाता है या कुछ भी खिलाता है भाई, उसको जीवन अच्छा होता है, बिल्कुल उसका रास्ता बनेगा, उसको विद्या मिलेगी और भगवान अच्छी ऊंची जगह ले जाएगा उसको भाई। अब यही धर्म कार्य करने के लिए अब आगे बढ़ सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो बाबा जी से बात हो गई अभी हमारी, देखा आपने, बाबा जी बस इसी चीज को लेकर परेशान है कि कुछ गाय वगैरह के लिए वहाँ पे चारा ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज अगर आप में से कोई भी डोनेट करना चाहे तो यहाँ पे जरूर आके गाय के लिए डोनेट करे। और अभी हम बनाने लगे हैं यहाँ पे मैगी अपने खाने के लिए, तो फिलहाल यहाँ से लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करेंगे, उसके बाद में वहाँ चिनाब के पास जाकर बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, तो देखने।